खैरे पुलिस स्टेशन क्षेत्र में पुलिस पेट्रोलिंग पर थी, तब चार युवकों ने पुलिस से बदतमीजी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। प्राप्त सूत्रों की जानकारी अनुसार 11 अप्रैल को दोपहर 3 बजे के दौरान पुलिस स्टेशन वाड़ी के कर्मचारी गोपी और होमगार्ड नीरज गर्ग ठाणे से वाड़ी नाका की ओर जा रहे थे। उसी वक्त MIDC टी पॉइंट पर पुलिस के पीटर मोबाइल गाड़ी की तरफ एक युवक भागता हुआ आया और कहने लगा कुछ लोग उसे पीट रहे हैं। उस समय चार हवलदार उनकी बुलेरो क्रमांक MH28AZ0358 में भाग निकले। जब होमगार्ड उन्हें रोका गया तो ड्राइवर के बगल में बैठे युवक ने पुलिस कर्मी को बोला कि तू कौन है और उसे चेहरे पर मुक्का मारा और अपमान कर बदतमीजी की। तीन युवकों ने भी गाली देकर मारने की कोशिश की। उस समय जब PI प्रदीप सूर्यवंशी पहुंचे तो उसे समझाने की कोशिश की तो वह बहस करने लगा और चौक में शोर मचाने लगा। अतिरिक्त स्टाफ को बुलाया गया और चार युवकों को गिरफ्तार कर थाने में लाया गया। उनका नाम और पता पूछते पर शोर मचाने वाले BSF जवान नीलेश भ्यूटे, अमोल बावने, अनिल भ्यूटे निवासी सवली संग्रामपुर जिला बुल्ढाना, गजानन विहार निवासी अकोट, तेलहरा जिला अकोला को चिकित्सीय प्रशिक्षण और शराब के आकलन के दौरान डॉक्टर ने कहा कि चारों शराब के प्रभाव में थी, इसलिए उनके खिलाफ शराब अधिनियम की धारा के तहत कई अपराध दर्ज किए गए। आगे की जांच वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रदीप सूर्यवंशी के मार्गदर्शन में जारी है। BCN न्यूज के लिए वाड़ी से सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।